हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग माफिया अधिकारी ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है। और जिनके संरक्षण में शराब आ रहा है कई जगह तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो है पकड़े गए कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिकवाने का काम कराते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं। लेकिन अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग गरीब लोग मरने जा रहे हैं और सरकार जो है अफसोस तक भी नहीं करती। शराब आ रहा है बन रहा है तभी तो ये घटनाएं हो रही है। अगर शराब आता नहीं, शराब बनाए नहीं जाते, नकली शराब देसी शराब, तो ये घटना नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से, आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीजों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो रहा है? सब कुछ पता है, केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जो है अब तक जो है खामोश है।